क्रिकेट में जनरली ऐसा होता है कि अगर एक ही एरा में दो दिग्गज हों तो वो कहीं ना कहीं एक दिग्गज के ऊपर थोड़ी ज्यादा लाइमलाइट बन जाती है और दूसरा दिग्गज जो है वो साइड लाइन हो जाता है, और ये कई बार देखने को मिलता है, वो ऑब्वियसली बात है। और ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिला था इंडियन क्रिकेट में जब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ साथ में खेल रहे थे। अब राहुल द्रविड़ की अगर बात करें तो ऐसा कहीं जगह कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा जहां उनका नाम ना हो, ऐसी कोई रिकॉर्ड लिस्ट नहीं रही होगी बतौर बल्लेबाज जहां उनका नाम नहीं आता हो। टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में दोनों जगह पे 10,000 से ज्यादा रन बनाना कोई छोटी बात नहीं है, और सचिन तेंदुलकर ने ऑफ कोर्स बहुत रन बनाया, बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और दोनों बल्लेबाजों ने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिखाया दिया है इंडियन क्रिकेट को। लेकिन कहीं ना कहीं जो लाइमलाइट थी वो ज्यादा गई थी सचिन तेंदुलकर के हक में, और राहुल द्रविड़ के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है शायद से इंडियन क्रिकेट इतना ज्यादा चेरिश नहीं कर पाया था और उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था बतौर बल्लेबाज हो, फील्डर हो, विकेट कीपर हो, बतौर कप्तान हो या बतौर कोच हो। अब तो कोचिंग भी कर रहे हैं तो बतौर कोच भी इंडियन क्रिकेट को कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं राहुल द्रविड़, हम सभी को मालूम है, हम सब लोग वाकिफ है उस चीज से। लेकिन ज्यादा बातें नहीं होती राहुल द्रविड़ के इन कंट्रीब्यूशंस के बारे में, और कहीं ना कहीं ऐसे कई बार हुआ है कि राहुल द्रविड़ का जो परफॉर्मेंस था वो सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर था और उन्होंने कई बार टीम को बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला है। इवन सचिन तेंदुलकर जब आउट हो जाते तब भी वो टिके रहते थे। और इसी तरह के आज हम बात करने वाले हैं एक रिकॉर्ड की जहां पे राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर से भी ऊपर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा सचिन तेंदुलकर बीइंग द मॉडर्न डे ग्रेट, बीइंग द लेजेंडरी बैट्समैन, बीइंग द गॉड ऑफ क्रिकेट, और सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम पर होंगे ऑफ कोर्स, और सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर के नाम पर है, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम पे है, तो प्रोबेबली सबसे ज्यादा गेंदें भी सचिन तेंदुलकर ने ही खेली होगी अपनी लाइफ टाइम में टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड यहां पर राहुल द्रविड़ के नाम पे है, और वह इकलौते टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज है और ओवरऑल दुनिया में भी इकलौते बल्लेबाज है जिन्होंने 30,000 से ज्यादा गेंदें खेली हैं। जी हाँ, मतलब 30,000 से ज्यादा गेंदें, आप सोचिए कितना ज्यादा बड़ा नंबर है, और 31,000 से ज्यादा खेली है उन्होंने वैसे बताया जाए तो सचिन तेंदुलकर उनके बाद जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा वक्त मतलब क्रीज पे बताया है या ग्राउंड पे बताया है, उन 22 गज की विकेट पे बताया है, वो है राहुल द्रविड़ ने बताया है। वहां पर इंडियन टीम के लिए इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, रन की बात करो, जहाँ क्रंच सिचुएशन थी वहां पर बॉलर्स को फेस करने की बात करो, एंड वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट से लेके लेजेंडरी बॉलर्स शुरुआत में जो उनके रहे भी होंगे उस वक्त पर भी 1996 में राहुल ने डेब्यू किया था और सचिन तेंदुलकर ने 1989 में ऑफ कोर्स डेब्यू किया था, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर एरा में दोनों खेले हैं, सिमिलर गेंदबाजों के सामने उन्होंने बल्लेबाजी की है, और वो बताता है कि दर्शाता है कि किस तरह के बल्लेबाज रहे होंगे राहुल द्रविड़ अगर 31,000 से ज्यादा गेंदें खेली हैं, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा गेंदें खेली राहुल द्रविड़ ने। ऑफ कोर्स द वॉल के नाम से जाना जाता था और वो इसी रीजन से जाना जाता था क्योंकि टिके रहते थे, अपनी विकेट कभी गंवाते नहीं थे और जो क्रीज है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे, वहां पे टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। और जब शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज जब बोलते हैं कि मुझे राहुल द्रविड़ को बॉल फेंकनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि मैं इतनी दूर से भाग कर आता था, इतना जोर लगाता था, लेकिन वो इतना सॉलिड डिफेंस करते थे कि मेरे को ना ईगो बड़ी हर्ट होती थी कि ये इंसान आउट क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसा हमने कई बार देखा राहुल द्रविड़ के साथ कि जिस तरह के वो बल्लेबाजी करते हैं ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल है, और जो टिके रहते हैं क्रीज पर वो एक्सेप्शनल है। अब राहुल द्रविड़ की अगर गेंदों की बात करें टोटल की, उन्होंने कितनी खेली हैं कितने मैचेस में, तो वो मैं बताना चाहूंगा। और टॉप 5 में कौन-कौन से प्लेयर्स आते हैं जिन्होंने एक्चुअली सबसे ज्यादा गेंदें खेली है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, तो सबसे पहले आएंगे राहुल द्रविड़ ऑफ कोर्स जिन्होंने 164 टेस्ट मैच खेले हैं और उसके अंदर 31,258 गेंदें खेली हैं। उनके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, 200 टेस्ट मैचेस, 29,437 गेंदें खेली हैं सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद आते हैं वन ऑफ द लेजेंडरी ऑलराउंडर्स जैक स्कालिस, और उन्होंने 166 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 28,903 गेंदें खेली हैं। फिर आते हैं वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी टेस्ट बैट्समैन शिवनारायण चंद्रपॉल, 164 मैचेस, 27,395 गेंदें उन्होंने खेली, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम ऑफ लेजेंडरी एलन बॉर्डर आते हैं 5वें नंबर पर, जिन्होंने 156 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 27,002 गेंदें खेली हैं उन्होंने। तो इस दिग्गज लिस्ट में भी राहुल द्रविड़ सबसे टॉप पर आ रहे हैं और सचिन तेंदुलकर से भी ऊपर आ रहे हैं। तो यार ऐसे प्लेयर्स ना बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन जब नहीं मिलता ना तो थोड़ा बुरा लगता है एज अ फैन भी, कि जो आजकल की जनरेशन है वो शायद से भूल चुकी है जो कॉन्ट्रीब्यूशन राहुल द्रविड़ ने किया है। सचिन तेंदुलकर के बारे में ऑफकोर्स सब लोग बात करते हैं, मॉडर्न डे ग्रेट्स भी बात करते हैं कि ही इज बीन द आइडल सबके लिए, विराट कोहली हो या कोई और भी हो, कि सचिन तेंदुलकर के बारे में सब लोग बोलते हैं कि यार वो मेरे आइडल थे, लेकिन राहुल द्रविड़ का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन टीम के लिए उतना ही रहा है जितना सचिन तेंदुलकर का रहा है, और ओवरऑल जो रन की बात करो या फिर आप सेंचुरीज की बात करो तो कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं किसी भी तरह से रिकॉर्ड्स में। तो राहुल द्रविड़ को भी वो रिस्पेक्ट और वो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, और आने वाली जनरेशन वी रियली होप कि
आगे उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट दे जितना वो डिजर्व करते हैं एक्चुअली। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यही मिलता है असली ज्ञान। और हम आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जहां पे आपको भी नए नए फैक्ट्स जानने का मौका मिले और ज्ञान अपना बढ़ाएं आप भी हमारे साथ। थैंक यू सो मच।